हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के आज पलवल में पार्टी का 65 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है और लगभग हर एक राज्य की कमिश्नरी में कम से कम एक कैंडिडेट को हम लोग लड़ाने का काम मजबूती के साथ में कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को भगाया जा सके। और बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना 65 सूत्रीय घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जारी किया है, जिससे कि वादा खिलाफी करने वाले लोगों के ऊपर में अंकुश लगाई जाए। जनता धोखा खाती है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरे देश को लूटने का काम करती है, बड़े बड़े वादे करती हैं लेकिन किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरती है। हमको अगर अवसर मिलेगा तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में जो जनता के साथ में वादा खिलाफी करने का काम करते हैं, कम से कम चुनाव आयोग से भी हम लोग अपील करेंगे कि 10 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम करें। हरियाणा में 7 सीटों पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं ही केवल नहीं लगा रहा हूं, भारत की 21 पार्टियों ने चुनाव आयोग के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में अंदर लिखित दिया हुआ है कि हमको ईवीएम मशीनों से वोट मंजूर नहीं है, चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया वो पूरा निर्णय नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना था या तो वोट बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या फिर वीवीपीएटी मशीनों से निकलने वाली 100% पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, ऐसा बहुजन मुक्ति पार्टी का कहना है। वो लोग 50% की बात कर रहे थे, इसका मतलब 5% केवल वोटर से निकलने वाली पर्चियों का मिलान करने की अगर बात कही है तो 95% घोटाला सरेआम होगा, ये सारा इससे साबित होता है। तो चोरी किया है उन्होंने। बहुजन मुक्ति पार्टी का घोषणा पत्र है 2014 का, स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये पे हम लोगों ने लिख के दिया था कि सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए सम्माननीय जीवन निर्वाह निधि के अंतर्गत हम लोगों ने 11,000 रुपये देने की बात कही थी। वो 5 साल के बाद में राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छुड़ाया है। वो 6% GDP का खर्चा करने की बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर में। बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमने अभी भी लिख के दिया हुआ है कि 10% GDP का 10% बहुजन मुक्ति पार्टी एजुकेशन के ऊपर में खर्चा करेगी। अगर एजुकेट होंगे तो अपना अपना सारी व्यवस्था